इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सर, वहां देखो। यहां तो कोई नहीं। Oh.
भाई ये घर बहुत ही पुराना है, बहुत लोगों ने पूछा पर मैंने किसी को नहीं बताया। भाई आप मुझे अच्छे इंसान लग रहे हैं इसीलिए आपको ये घर दे रहा हूँ। आज से ये घर आपका हुआ। हा? मेरा भी घर इतना ही बड़ा है भाई। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपने भी तो घर ले लिया। भाई हम लोग बाहर क्यों खड़े हैं, चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं। देख लीजिए भाई देख लीजिए, पूरे 2 करोड़ का ये घर है लेकिन आपको 80 लाख में ही मिला है, ये आपका नसीब है। एक मिनट भाई। बड़े लोगों के बारे में आपको पता होगा, आप ही बताइए आज दिल्ली का सीएम कौन है। पता नहीं, ये सब किस्मत की बात है। आज ही शाम की फ्लाइट से वो अमेरिका चला जाएगा, जब चाहे उसे वीजा मिल जाएगा, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, उसका हर जगह घर है। ये सब पैसे का खेल है, सब भाग्य का खेल है भाई। थैंक यू भैया। अरे ये सब रहने दो, घर तो आपने देख ही लिया और दरवाजा भी खोल कर देख लिया, अब अगर रोकड़ा भी दे दो तो। तभी उसे पैसे दिए मैंने। अरे वो तो आपने उसको दिया था ना भाई, मैं 2 दिन से भाग दौड़ कर रहा हूँ उसका। ठीक है, देने ही पड़ेंगे। ये लो। इतने के लिए इतनी भूमि क्या बनाई थी। चप्पल मैंने तो यही खोला था, यहाँ से कौन ले गया होगा। कहाँ गया होगा। ये तो हवा में लटक रहा है। पैसे में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो निकलो यहाँ से, तुम नहीं तो कोई और सही, चलो जाओ यहाँ से। ए सूर्या, यहाँ क्यों सोए हो, शरीर तो गर्म है, बुखार है क्या। ठीक है चल मैं बात करता हूँ। इंसानियत तुम्हें है कि नहीं, इसकी तबीयत खराब है और ये बाहर लेटा हुआ है। किसी भी अनजान को घर में नहीं रख सकते, तुम्हें रहना है तो रहो नहीं तो जाओ। उसे क्यों परेशान कर रहे थे तुम, तमीज है कि नहीं तुम्हें। मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो, वो जाके उससे पूछो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप अगर कुछ पूछोगे तो ठीक नहीं होगा। ये बताओ तुमने उसे भगाया क्यों, वो भाड़ा नहीं दे रहा था क्या। अरे इंसानियत जरा भी तुम्हें है कि नहीं, किसी बीमार के साथ कोई ऐसा करता है। किसी भी अनजान को घर में नहीं रख सकते। अनजान हुआ तो क्या हुआ, इंसानियत भी कोई चीज होती है ना। रहना है तो रहो नहीं तो जाओ। गाड़ी क्यों रोक दी। गाड़ी खराब हो गई है, चलो धक्का दो, समझे। कैसे कह रहे हो। अरे यहाँ कोई दूसरा है क्या जिसको बोलूं। अरे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो। अब क्या रोड पे जाके चिल्लाऊं क्या, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, चलो जल्दी। अरे समझ में नहीं आता क्या, चलो चलो जल्दी करो। हुआ क्या? मैं ठीक हूँ,
मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, बस मुझे थोड़ी प्यास लगी है। सोडा वाटर लिया बेटा। पापा जल्दी जा। चल एक मिनट रुके, आता। सोडा ये लो। पापा पापा लीजिए, ये गाड़ी कहाँ चली गई? लगता है वो चला गया। लीजिए पापा, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है बेटा, बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है, तू उसे पूरी कर दे। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे एक बड़ा सा घर लेना है। बोल बेटा, पूरी करेगा ना मेरी इच्छा? पापा 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 पापा, मैंने आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश की है। आपका एक अधूरा सपना था कि आपका एक बड़ा घर हो, आज मैंने उसे पूरा करने की कोशिश की है पापा। अब ठीक है। हेलो, हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, ठीक से सुनाई दे रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है आपको? मैं हेलो, ये कैसे हुआ? मैंने तो ठीक से लगाया था, ये गिरा कैसे? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ तुम्हें? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लाइफ में खुश रहना है तो फिर बड़ा घर तो लेना ही था। हाँ? पापा की इच्छा थी, वो मैंने पूरी कर दी। खैर वो सब छोड़ो, तुम कैसी हो? तो ये घर तुमने हमारे लिए नहीं लिया? पापा की इच्छा थी इसलिए लिया मैंने। मतलब तुमने झूठ बोला था? मैं झूठ नहीं बोलता। कैसे आदमी हो तुम, तुम्हें किसी बात का ध्यान ही नहीं है। कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, एसएमएस पे एसएमएस कर रही हूँ, ठीक से बात भी नहीं करते तुम। बस बहुत हो गया, अब से फोन ही नहीं करूँगी। गुड बाय। अंजलि 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 अंजलि, सुनो तो, हर बात पे मुंह फुला लेती है। दुबई जाके आपको 6 साल हो गए। आता हूँ बोलते, लेकिन आते नहीं हो। अरे आता हूँ ना, जल्दी आओ ना। देखो मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही रह के कमा रहा हूँ ना, तुम चिंता मत करो, जल्दी आऊँगा। पर यहाँ तो मैं अकेली हूँ ना, स्टोर में दिन रात तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती हूँ, जल्दी आओ। ठीक है। ये लड़का कौन है? आ जाऊंगा। मस्त है, ओके अच्छे से रहना। हाँ, बाद में कॉल करती हूँ मैं। ओके चलो ठीक है। क्या हुआ, बहुत कम सामान ले रहे हो? घर पे कोई नहीं है, बैचलर। बैचलर हो? एक्चुअली ना बैचलर मुझे बहुत पसंद है। वो क्या है, तुम्हें देखकर अब्रॉड में रहने वाले मेरे हस्बैंड की मुझे याद आ गई। मतलब? पहली बार तुम मेरे स्टोर में आए हो, तुम्हें कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगी। हाँ आ जाओ। आ,
हेलो, ये क्या कर रही हो? गिफ्ट बोला था ना? ठीक है, जाओ बिल दो मुझे। ये लो। वैसे तुम कहाँ रहते हो? ये 8 नंबर बंगले में। 8 नंबर बंगलों में? हाँ भाई। वो पुराना बंगलो है वही क्या? हाँ वहीं पे। अरे वहां पर तो भूत रहते हैं। अरे हंसो मत, ये जोक नहीं है। मजाक कर रही हो? वहाँ सच में भूत रहते हैं क्या? मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ क्या? मैं कौन हूँ पता है? मेरा बाप कौन है पता है? उनका बाप कौन है पता है तुम्हें? लगता है ये कपड़े निकाल रहा है। अरे बस काफी हो गया। अरे भगवान ये क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? देख लिया? और देखना चाहती हो? बस बस समझ में आया। अगली बार मैं पूरा देख लूंगी। ठीक है, 21st सेंचुरी में भी भूत भूत की बात करती है। हा? सुनो, मैं भूत के साथ पिज्जा खा के बड़ा हुआ हूँ। यहाँ भूत का बाप रहता है। भूत की बात करती है, पागल है ये। अरे सुनो, तुम्हारा बैग। ये लड़का तो बहुत ही मस्त है, पर भूत इसका क्या करेंगे सोचकर डर लगता है। लाइट अपने आप कैसे चल गई? स्विच भी नहीं दबाया मैंने, तो फिर चली कैसे? इसे क्या हो गया? बड़ा है,
मुझे तो ये बनाना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? अब बता भी, इसे कैसे खाएं? ए, मुंह से खाऊं या कहीं और से? क्या बोलता है? हैं? ए सूर्या, मैंने तुझसे क्या कहा था? उधर क्या देख रहा है? इधर देख, इधर टीवी पर देख रे, टीवी पर। ए उधर किधर देख रहा है? इधर देख, अरे टीवी पर देख। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ देखो यहाँ। ए ए यहाँ पहले ठीक है ना? तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? तो यहाँ देखो, टीवी में देखो, टीवी में। हाँ यहाँ पे तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। देखो देखो देखो, ए सूर्या डरना मत तुम, यहाँ देखो तुम्हें सारी हकीकत खुल के तेरे सामने आएगी। देखना देख देख, यहाँ पे देख कौन रहता है यहाँ पे। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? ये बुलेट कैसे? नहीं, पुलिस 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 पुलिस। अरे ये कैसा खाना लेकर आए हो तुम? मैंने तो बिरयानी मंगवाई थी, ये तो बासी भात है, कहाँ से लाए? ये वही बिरयानी है सर। क्या आप खाने से पहले सूंघ रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। सुनो 201 207, इधर आओ, ये सब यहाँ से उठाकर लेकर जाओ। मुझे बेवकूफ समझाया तुमने, अभी बताता हूँ। यस सर। सर ले जाओ इसे, खा लो तुम लोग। थैंक यू सर। ए इसे भी लेकर जाओ। सर सर मुझे बचा लो सर, मुझे आप ही बचा सकते हो सर। अरे रे 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 रे, क्यों शोर मचा रहे हो? किससे बचाना है तुमको? साहब को बताओ, साहब तुम्हें बचा लेंगे। हुआ क्या, कुछ बोलोगे भी? मेरे घर में भूत है सर। चलो बाहर निकलो। सर वो भूत मुझे सता रहा है सर, उस भूत से आप ही मुझे बचा सकते हो सर। अबे चुप, मैं तुझे बच्चा दिख रहा हूँ? ये पुलिस स्टेशन है, समझ में आई बात? कोई गुंडा मवाली चोर है तो हम उसे पकड़ सकते हैं, समझ गया ना? बड़ा आया भूत की कंप्लेंट लिखाने। सर भूत से बचा लो सर, आप बचा सकते हो हमें सर। चल निकल यहाँ से सर, प्लीज सर। चल निकल, चल सर प्लीज। ये तो पूरा पागल लगता है, भूत की कंप्लेंट। सर वो मुझे मार डालेगा सर, बोलिए ना सर। अरे जाने दे इसे, थोड़ा सा यहाँ देखिए ना सर। क्या हुआ? थोड़ा और, तुम 10 मिनट में लेके जा, देखता हूँ। चल अब क्या हुआ? साहब संभाल लेंगे सर, ये भी चाहिए थी। चल ले जा, घबराने की बात नहीं है, हमारे साहब सब संभाल लेंगे। केस में क्यों फंसूं? इससे मुझे फायदा ही क्या होने वाला है? तुम 10 मिनट बाहर बैठो, सर से मैं तुम्हारे लिए बात करता हूँ। हाँ ठीक है सर। सर वो बहुत अच्छा ऑफर है, वेस्ट मत कीजिए, लपक लीजिए। अरे वो इंसान के बारे में नहीं, किसी भूत के बारे में बात कर रहा है। भूत को हम कहाँ ढूंढेंगे? भूत होंगे तो ढूंढेंगे ना, जब भूत मिलेगा ही नहीं तो हम भी घूम फिर कर आ जाएंगे। ऐसा है क्या?
तो यही घर है क्या? हाँ सर, यही घर है। आज तक चोरों को पकड़ा है, खूनियों को पकड़ा है, जेब कतरों को पकड़ा, गुंडों को पकड़ा है, लोकल गुंडों से लेकर इंटरनेशनल माफिया तक पकड़ा है। ये केस तो बहुत छोटा है। पूरे इंडिया में भूत को अरेस्ट करने वाले आप पहले पुलिस ऑफिसर होंगे। सर, ये सिर्फ इंडिया के नहीं सर, वर्ल्ड के नंबर वन पुलिस ऑफिसर हैं। आप इतने महान हो के भूत को नहीं पकड़ सकते? बोल रहा है तू? भूत को अगर पकड़ लिया ना सर, वर्ल्ड में सब आपको एक नंबर का मान लेगा सर। सिर्फ एक नंबर ही नहीं सर, आपका नाम गिनीज बुक में जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? सोच समझ कर बोला करो। ये केस कितना उलझा हुआ है पता है तुम्हें? समझाना ही नहीं। हाँ बोल, तू क्या बोल रहा है? सर, मैं भूत भूत कुछ नहीं मानता हूँ सर। अरे चुप, इसका क्लू कहाँ से ढूंढे पता नहीं चल रहा। सर चलिए ना, अंदर चलते हैं। तेरी तो, तू मुझे यहाँ लेकर आया, तू अंदर चल। सबसे पहले तुम जाओगे, उसके बाद हम। क्या हुआ, इतना सोच क्यों रहे हो? चलो जाओ अंदर, उसके बाद हम सब आएंगे। सर आप भी आइए ना। पक्का यहाँ पर भूत नहीं है ना? आपके पास रिवाल्वर है ना? हाँ। अरे क्या हुआ सर? जल्दी, मैं रिवाल्वर भूल गया। आपने इतने गुंडों को पकड़ा है, आपको रिवाल्वर की क्या जरूरत है सर? सही कह रहे हो। हाँ? सर 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 सर, अब क्या हुआ? डोर है सर। जैसे मैं पता ही नहीं था। हाँ, इसने बोला तो पता चला। इस डोर की आरती उतारूं? नहीं सर, इसके खुलते ही लाइट्स चलेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाएगा सर। अरे देख क्या रहे हो, दरवाजा खोलो। आइए आइए, ऊपर वाला करे सब ठीक हो। चलो चलो, दरवाजा बंद करो। सर आप देखिएगा, दरवाजा बंद होते ही लाइट जल जाएगी सर। देखा, दरवाजा बंद करने से लाइट्स ऑन नहीं होती, स्विच से होती हैं। खुद तो डरा हुआ है, हमें भी खामखा डरा रहा है। तू जाके स्विच ऑन कर। मुझे ही फंसा दिया, जल्दी जा। घर तो अजीब सा दिख रहा है। मेरी परछाई इतनी छोटी कैसे हो गई? वहम होगा। सर यहाँ आइए ना। हाँ आ रहा हूँ। चलो लाइट जलाओ। ओके सर। सर ये सोफा मुझे मारता है सर। ये सोफा तुम्हें मारता है? और क्या हो रहा है? और सर ये टीवी, इस टीवी में से एक एक्टर बाहर आया और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा सर। टीवी से एक्टर आकर तुम पर चिल्लाया? हाँ। टीवी से कोई बाहर आकर चिल्लाता भी है क्या? नोट करो। ठीक है सर। था कौन? अजीत कुमार था सर। वो जो फिल्मों में एक्टिंग करता है, अल्टीमेट स्टार। हाँ, वो यहाँ पर आए थे क्या? नहीं सर, बंदूक लेकर के धाए धाए शूट कर रहे थे सर। फिर मैं डर के मारे आपके पास भाग आया सर। ये सब मानना पड़ेगा क्या? सर मैं झूठ नहीं बोलता सर। तुम लोग सुन रहे हो इसकी बात? सोफे ने इसको खींचा, टीवी में से एक्टर बाहर आकर चिल्लाया। सोफा और टीवी को जेल में डालूं क्या, फिर कोर्ट में ले जाकर सबमिट करूं? तेरे कहने पे मैं आया। सुन हाँ? अब बता मैं क्या करूं? सर हमारे लिए यही अच्छी बात है सर। हाँ? देखिए आपके घर पर सोफा नहीं है और बेडरूम में टीवी भी नहीं है। ये सब इसको कैसे पता? सॉरी सर, जब आपने दूसरे घर में भेजा होगा तभी इसने देखा होगा। मैं बाद में देखता हूँ। वो सब छोड़िए, जो भी होगा देख लेंगे। सोफा आप रख लीजिए और टीवी मैं ले जाता हूँ। अच्छा आइडिया है। सुनो, वो सोफा तुम्हें खींचता है ना, सोफा गाड़ी में डालो। और टीवी से भी कोई निकल कर आता है ना, क्या नाम बताया था उसका, कहाँ रहता है वो? वो अपने घर में रहता है सर। उसकी इंक्वायरी निकालो। क्या नाम बताया था? अजीत कुमारी है, उसे तुरंत पुलिस स्टेशन लेकर आओ। वो शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए सर। डाउट है तो उसको कहीं से भी हम ढूंढ कर निकालेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकर आओ उसे। सर थोड़ा धीरे से बात करो। क्या हुआ? अगर उनके फैंस को पता चल गया तो आप तो गए काम से। पहले चलो ये सोफा निकालो, बाकी बातें बाद में देखेंगे। क्या हुआ, तुम लोग क्या कर रहे हो? उठाते क्यों नहीं इसे? सर सोफा बहुत भारी है। ताकत लगाओगे तब तो उठेगा, उठाओ। सुनो तुम टीवी लेकर गाड़ी में डाल दो, चलो। अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? ये लो टॉवल और इसे आराम से धीरे से निकाल कर लेकर चलो। हाँ, सर। देखो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दी, और कुछ है? थैंक यू सर। सर सर देखो, हमने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अब यहाँ तक हम लोग आए तो आने जाने के लिए कुछ दे दो। तो थोड़े पैसे देने होंगे। तो पैसे देने होंगे सर को? अच्छा तो पैसे दोगे?
बिना पैसों के इस दुनिया में कुछ होता है क्या? चलो हमें भी कुछ दे दो इसे। ठीक है सर। हाँ सर, पेमेंट कपड़े में पैक करके दो। अरे यार, मैं हूँ असिस्टेंट मैनेजर होके इतना डरते हो तुम? क्या यार, तू भी डर गया? यहाँ का सिस्टम बहुत अजीब है। अरे नहीं यार, यहाँ का मैनेजर बहुत सख्त है, कभी ये दो कभी वो दो। नहीं, मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ यार। अरे वो आ गया, आ रहा है, आ रहा है। चुपचाप संभल के खड़े रहो। हाय 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 हाय, आई एम वेणुगोपाल। नमस्ते सर। क्या हुआ, सबने दाढ़ी रखी है? टाइम नहीं मिला क्या मुंडवाने का? एनीवे एक्सक्यूज मी सर, मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? कहाँ देखा है याद करना चाहिए, कहाँ वहाँ नहीं। सर, मैंने आपको कहीं देखा है, घंटा घर के पास या बड़ी चौपड़ पे, कहाँ? वाइन शॉप में। नहीं नहीं नहीं, ओके एनीवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, आई एम सीनियर मैनेजर। तो अब तुम मुझे असिस्ट करोगे, तो जल्दी से नमस्ते करो। नमस्ते। चलो चलो, क्या कर रहे हो? फॉलो मी। यस सर। ये एक टिकट कम कैसे हुई? बैक फॉलो। तो चलें क्या? देखो, अभी मैं अच्छा हूं या बुरा ये तो पता नहीं, कब किसी के साथ कैसा बर्ताव करूं ये भी पता नहीं, पर किसी के साथ कैसा रहना है ये इंपॉर्टेंट होता है। थैंक्स। वो सब तो रहेगा ही सर। देखो, मैंने ये सब बहुत देखा है, पर चिंता में ही डूबा रहना गलत बात है। लाइफ को एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो। कभी खुशी कभी गम, क्या जिंदगी इससे होगी कम? तो जब भी फ्रेंड्स मिल जाए उनके साथ दबा के एंजॉय करो। इन सब के लिए मैं आऊंगा ना। यस। पर कोई कभी इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं फौरन बाथरूम में जाकर एक ही काम करता हूँ, मुँह में हाथ डाल के उल्टी करके सब बाहर निकाल देता हूँ। देखो, कोई कुछ भी कहे उसकी परवाह मत करो, बस तुम मुझे फॉलो करते रहो। क्या नाम है बताओ? सर, मुझ पर हमला हुआ है। ओ, हमला हुआ है, नाम बताओ अपना। गन वाली कंचना। गन से हुआ हमला। सर, मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल। अपना एड्रेस बताओ। सर, मयूर गांव। ओ, मयूर गांव। सॉरी, उस दिन तो रविवार का दिन था ना? हाँ सर। किसने किया था हमला? पता नहीं सर। तुम यहाँ क्या कर रही थी? सर, मैं बाहर गई थी। मैं तुम्हें काम से गई थी या वैसे ही गई थी? ये किसकी कंप्लेंट लिख रहा है ये? ठीक ठीक टाइम बता सकती हो क्या? बताओ, सुनो मेरी बात, अगर तुम मुझे एग्जैक्ट टाइम बता पाओगी तभी कुछ कर सकता हूँ। 12:30 बजे। 12:30 बजे? हाँ। देखो, तुम्हारा कंप्लेंट मैंने लिख लिया है, एसआई साहब आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा, ठीक है? सुनो, नमस्ते सर। सर, किससे बातें कर रहे हो, किसकी कंप्लेंट लिख रहे हो? सर, इसे मरे हुए 12 साल हो गए हैं सर। हाँ सर। अपनी बॉडी ढूंढने के लिए रिपोर्ट लिखवाने आई है सर, आप खुद ही पूछ के देख लीजिए ना सर। प्लीज सर। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, हमारे एसआई साहब बहुत होशियार हैं, तुम उन्हें एक बार बताओ। ठीक है सर। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जाना नहीं, मैं बस अभी आया सर। जल्दी हाथ उठा ले। क्या हुआ भाई, बता क्यों खाया? बोला इसको मारा है? क्यों, किसकी पिटाई कर रहे सर? इसने डायनासोर खाया है सर। डायनासोर? क्यों खाया? डायनासोर? डायनासोर खाया है? हाँ सर, छोटे अंडे में रहने वाले डायनासोर को खाया है सर। क्यों खाया? अरे इनका तो दिमाग खराब ही है, ये मेरा भी दिमाग खराब कर देंगे। चलो सर, अब इसका क्या करूं? अभी तक जो किया वही करते रहो, पिटाई करो इसकी। ओके सर। हाँ, करते रहो, मैं अभी आया। डायनासोर खाया। क्या हुआ, ये रोनी सूरत किस लिए? कुछ नहीं सर, मेरी हालत खराब हो गई है सर, सोफा मेरे ऊपर ही सो गया, मैं उसके नीचे दब गया था सर, उसमें भूत है सर, कल जो सोफा लेकर गया था ना उसके बारे में बोल रहा हूँ। लोग तो सोफे पर सोते हैं ना, लेकिन सोफा मेरे ऊपर सो गया था, मेरा पूरा बदन दुख रहा है सर, मेरी हड्डी चटक गई है सर। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, आप टीवी लेकर गए थे ना, उसका क्या हुआ? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। हेलो जानकी। तुम कौन है? मैं कौन?
नंबर तो घर का ही है, नंबर तो सही लगा है। जानकी मैं हूँ। तुम कोई भी हो तो क्या? ए, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम नया टीवी ला रहे हो? अरे टीवी तो लाकर दिया। किसे सिखा रहे हो? अरे वो टीवी नई ही है जानकी। मुझे बनाने की कोशिश मत करो, मुझे नया टीवी चाहिए, मतलब चाहिए। अगर दोबारा कोई बहाना बनाए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कुछ तो अजीब चल रहा है यहाँ, टीवी तो मुसीबत बन गई है। यहाँ क्या हुआ सर? यहाँ जिसने कंप्लेंट लिखवाई है उसको कॉल करके बुलाओ। मैंने उसे फोन किया था, उसने क्या कहा पता है? जब से आपने भूत को पकड़ा है तब से मैं चैन से सो रहा हूँ सर। वो तो चैन से सो रहा है लेकिन हमारी नींदें उड़ गई। हाँ सर, मुझे लग रहा है सामान में ही कुछ लोचा है। इसीलिए ये सारी हरकतें हो रही हैं। सुनो, तुम इसी वक्त एक काम करो, वो सोफा टीवी सब उसके घर पर रखाओ। ठीक है सर, चलो जाओ। अरे कोई दिख नहीं रहा, कहाँ गया वो? कैसा भाई, कैसा है? मैनेजर का घर इतना अच्छा नहीं है लेकिन असिस्टेंट मैनेजर इतने अच्छे घर में रहता है। वाह, सही कहा ना भाई? सही कह रहे हो भाई। सूर्या, सब लोग फूल लेकर आए हैं, हम लोग मिलके मजे करेंगे। बहुत दिनों बाद मौका मिला है। अरे यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे भी तो पीने का मौका दो। देखना यार, सारी की सारी बोतल खुद ही अकेले पिए जा रहा है। अरे देना भाई। ये लोग यहाँ बैठकर पी रहे हैं और भूत आ जाएगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अरे क्या कर रहा है भाई, किसको मार रहा है तू? जब बहुत खुश होता हूँ तो मैं ऐसा ही करता हूँ यार। मैं भी खुश हुआ तो ऐसा ही करूंगा। अभी तुम आओ, एंजॉय करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आओ ना। अरे तो जाना, मुझे क्यों सता रहा है? प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार मुझे प्यार हो। मैंने कहा था ना इसको ज्यादा मत पिलाना। देखा बाथरूम में जाकर एक्सरसाइज कर रहा है। जल्दी आओ, वो बचाओ। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे मुझे मार, अरे बचाओ। अब ये सब तो मजे लेकर पी रहे हैं, चलो मुझे भी क्या, ऑफिस में बता के मेरी इज्जत ही निकाल देंगे। इसलिए इन लोगों के सामने चुप रहने में ही भलाई है। फेसबुक पर लाइक और कमेंट ही करते रहेंगे। फेसबुक पर लाइक कम और गलत साथ कमेंट ज्यादा मिलेंगे, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। बच गया। क्या हुआ बेटा, टेंशन हो गई क्या? तो तुझे पता चल गया दोस्त, किसी को बताना नहीं। मैं भी होके आऊं? जा तू भी मजे ले ले। नहीं, वहम है मेरा। चीची, कितनी बदबू है, क्या चल रहा है यहाँ? ए, ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बीड़ी पी रहा हूँ। बीड़ी? बीड़ी पीना मुझे अच्छा लगता है। छे, सिगरेट पियो ना। सिगरेट नहीं है, बीड़ी है। चाहिए क्या? ये लो सिगरेट। ये सब नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? खून चाहिए, खून। खून चाहिए?
होशियारी दिखा रहा है, है? बर्नी, मैं यहाँ हूँ, आजा, मैं यहाँ हूँ, अरे ऊपर आना, आजा, बर्नी मैं यहाँ ऊपर हूँ, आजा, बर्नी, 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 तुझे सिगरेट चाहिए था ना, आजा, आजा तुझे सिगरेट देता हूँ। सब लोग, अरे तू वहां क्या कर रहा है? सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, जल्दी चल। देखो मेरी बात सुनो, वहां मत जाओ। अरे मुझे जाने दो, मैंने कहा ना वहां मत जाओ। छोड़ मुझे जाने दे। अरे धक्का क्या दे रहा है? छोड़ ना, जाने दे मुझे। बात मान, देख मैं तो यहां से जा रहा हूँ, तुम लोग को चलने दो। मुझे तेरे साथ नहीं चलना। मैंने बोला ना धक्का मत दे। नशे में था इसलिए तुम नाराज हो गया, नहीं ना? हाँ,
आज खाना अच्छा लग रहा है जी सर। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, मजा आएगा। थैंक्स सर। सर 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 मैंने सर के लिए चिकन बिरयानी मंगवाई थी, तुमने सत्यानाश कर दिया। देखो मैं समझ गया, तुमने जानबूझकर खाना गिराया मेरा। मेरा हाथ पैर हो गया और मेरा पैर हाथ हो गया सर। इसको बाहर निकालो, मेरा डंडा काट रहा है। अभी मैं बताता हूँ, बाहर निकालो इसे, ले जाओ। तंग आ गया ड्यूटी से, सुकून से खाने को भी नहीं मिलता। सारे दरवाजे बंद कर दो और सबको बाहर निकाल दो। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम शंभू विनायक है। मेरे पास बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा हुआ है, आप उसे खरीद लीजिए। अच्छा, आपके पास पैसे कितने हैं? 10 करोड़ दे सकता हूँ। 10 करोड़? अरे अरे आर्या भाई, ये मेरे कस्टमर है आर्या भाई। नमस्ते। हैं सूर्य। दोनों नाम आपके ही हैं क्या? आहा, मैंने इन्हें बहुत बड़ा घर दिलवाया है, बहुत मजा आ रहा होगा घर में रहने में। 2 मिनट बात करनी है आपसे। जरा इधर आएंगे। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर बात करनी है, अभी आता हूँ। क्या हुआ भाई, घर बिकवाना है या कुछ और खरीदना है? क्या बात है बताओ, सब ठीक तो है ना? हाँ, कुछ खास बात है क्या? हाँ ठीक है, आइए। ये क्या यहाँ पर मेरे को कौन सी बात करनी है भाई? समझता है क्या? हैं? तेरी तो अरे बाप रे, बचा, अरे कोई बचाओ, अरे मत मारो, अरे कोई है, मुझे बचाओ, अरे मुझे मत मारो। बिना कुछ बातचीत किए ही मेरी धुनाई कर दी, क्या बात है भाई? उस घर में भूत रहता है। भूत है? ये बात पहले क्यों नहीं बताई तूने मुझे? ये क्या भाई, किसी भी घर का वास्तु डिजाइन या उसके मालिक के बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन भूत है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आपको यह घर नहीं पसंद है तो मैं दूसरा घर दिखा दूंगा। मेरे पिताजी की एक बड़े घर की इच्छा थी, मैं उसे बदल नहीं सकता। तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। वो रही पहाड़ वाली देवी। आइए 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 आइए। देखो ये जगदम्बे माँ है, इनकी कृपा से जितने भी भूत हैं सब भाग जाएंगे यहाँ। अपना मुंह बंद रखो। ओम नमः शिवाय। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ भूत है तो वो भाग के चले जाएंगे, डरो मत। ओम रीम रूम। हाँ? खून? यहाँ भयानक भूत है, साधारण भूत नहीं है। शिष्या, पूजा की तैयारी करो। ये नींबू जाकर जहाँ पर रुकेगा उसी जगह भूत होगा। भूत के पास जा, जा। तुम सब लोग यहीं पर रुको, मैं खुद जाकर अंदर भूत को देखती हूँ। यहाँ पर आओ बेटी। नहीं मैं नहीं आऊंगी। आओ बेटी, आओ यहाँ पर, आओ ना। नहीं मैं नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, आओ। नहीं। आओ बेटी। हम्म
ढिंका चिका ढिंका चिका रे। डार्लिंग। अरे क्या ऐसा करेंगे तो भूत भाग जाएगा? जाएंगे क्या? कहाँ? लगता है भाई इसी में ही तो भूत नहीं आ गया। मैं ऐसा करूंगी तो भूत बाहर जाएगा। मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो क्या? किस लिए? सब मुझे ही बताना पड़ेगा। लगता है अब ये हमसे भी प्यार करेगी। मुझे भी तुमसे भी। ये कहाँ जाएंगे? आप जहाँ बोलो। तो ठीक है दो। यहीं पे दूँ? यहीं दो। ठीक है, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं ही ले लूंगी। पहले दारू पियेंगे फिर जाएंगे, ठीक है ना? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ भूत है, तुम लोग को पता है ना? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? ए, तुम जानते हो भूत कहाँ है? देखो तुम सर सर ऐसा करने से ही भूत भागता है। पहले कौन आएगा? मैं। लड़ क्यों रहे हो? दोनों आ जाओ। चलिए। हे क्या चल रहा है ये सब? अंदर चलो। देखो हम सब लोग पीते क्यों हैं ये बताओ। एंजॉय करने के लिए ना, तो फिर एंजॉय करो। एंजॉय। सूर्या इधर आओ, ये बताओ दो दिन से ऑफिस क्यों नहीं आए तुम? वो क्यों पूछ रहे हो? घर से बाहर हो गया हूँ मैं। तो ऐसे रोड पे घूमने की क्या जरूरत है? शादी नहीं हुई तो शादी कर लो। सर वो बात नहीं है, घर में भूत है, वहाँ बहुत परेशानी होती है। ऐसी क्या परेशानी सर? सोफा मारता है, टीवी से लोग बाहर निकल आते हैं, हीरो गोली चलाता है तो गोली बाहर आ जाती है। गोली बाहर आ जाती बोल रहा है। सर अभी आपसे कौन बात कर रहा था? मेरे से भूत बात कर रहा था। ए इधर आ। आना। अरे नजदीक तो आ। अगर सोफा नाचेगा तो तू क्या घर छोड़ के भाग जाएगा? सोफा नाचेगा तो भागेगा ही। सन्नी लियोनी नाचे तो पुलिस स्टेशन में भी ऐसा ही बोला था। सिर्फ पुलिस स्टेशन में नहीं, भूत हर जगह ऐसा ही बोलते हैं। डरे मत यार, एंजॉय करना। ले पी ले पी पी। अरे पी ना, एंजॉय कर, पी। सर नहीं सर। पी। लचक के चले कातिल तेरी अदा है रे, दिल मेरा पागल हो रहा है रे। वो दिल का है क्या ये हाल, जाए सीने से निकल के दिल, ये मेरा तेरे पीछे आए रे। ये दिल तुझको क्या पता रे। मोबाइल मैं तेरा, सिम कार्ड तू मेरी, छोरी छोरी छोरी। मोबाइल मैं तेरा, सिम कार्ड तू मेरी, मोबाइल मैं तेरा, सिम कार्ड तू मेरी। तुझसे दूर रह के मेरा कुछ ना होने वाला, तेरे साथ में ही है फ्यूचर रे मेरा। फेसबुक खोल तेरी फोटो डालने का, दिल ये मेरा गया तेरे साथ रे।
मेरे साथ घूमेगा, ऐश करेगा। फिर क्या? आजा मेरे साथ, तू प्यार दूं तुझे, पैसे वाला बन के मैं दिखाऊंगा तुझे। दिखता मस्त हो, बंदा मस्त हो, बूढ़ा कोई न चलेगा रे। जमा है दिल मेरा तुझसे कह रहा, आजा तुझको प्यार दूं मैं इतना रे। छोरी 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 सर बोलिए सर। वो पैर के निशान की तस्वीर किसने लगाई? वो तो पहले से ही थी सर। ओह, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ठीक से सुनो। आने वाली अमावस की रात को उसे अपने घर से बाहर निकाल कर किसी गहरे नदी नाले में फेंक दो। सर उसका वहाँ रहना अच्छी बात नहीं है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में उसे घर से बाहर निकाल के फेंक दो। वो काम कोई और करेगा तो चलेगा सर? बात को समझो, वो काम तुम्हें करना होगा। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये काम खुद करना होगा। चिकन। ये क्यों? तुम्हें 99% मार्क्स मिले ना, हाँ। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें चिकन 65 बनाकर खिलाऊं। Ha ha ha!
ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? उस मुर्गे को तुम इतना गुस्से कैसे आ गया आखिर? एक मुर्गे से मार खा के आ गए तुम? किसने भेजा वो मुर्गा? पता करो, तुम पता करो। अगर मैं वो होता तो उसकी बोटी बोटी कर देता। क्या हालत हो गई, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे। बैठे बैठे क्या कर रहा, खड़ा हो जा, झूठ के ला। कुछ बोलो ना सिस्टर। अरे किसने किया रे? अरे कुछ तो बोल मेरे भाई। मुर्गा था, मैंने उसे मारना चाहा, तो एक और मुर्गा आ गया। ठीक है, फिर एक और मुर्गा। अच्छा, फिर पूरा घर भर गया। अच्छा सुपर, ढेर सारे मुर्गे। और फिर मुर्गा था, मैं उसे मारने गया, तो एक और मुर्गा आ गया। फिर देखा तो पूरा घर मुर्गे से भर गया, ढेर सारे मुर्गे। फिर क्या हुआ, ये तो बता आगे। एक मुर्गा था, एक मुर्गा था, मैं उसे मारने गया, तू उसे मारने भागा, और मुर्गे आ गए। फिर देखा कि पूरा घर भर गया है, ढेर सारे मुर्गे। आगे बोल। एक मुर्गा था, मैं उसे मारने गया, तो एक और मुर्गा आ गया। एक मुर्गा आगे क्या हुआ, ये बोलना। मैं उसे मारने गया, चारों तरफ खून। पहले एक मुर्गा है, फिर दो आए, फिर चार आए, फिर कहीं आ गए। आगे बोल, ये स्टोरी आगे पूरी कर, बता ले यार आगे। ढेर सारा खून, खून ही खून। डॉक्टर जल्दी आओ डॉक्टर। ये बताओ इसको हुआ क्या? इसके घर में बहुत सारे मुर्गे आए थे जो अजीब किस्म के थे, उन्होंने हमला किया, फिर इसके घर में खून ही खून। अब आपको क्या हो गया, फिर से वो स्टोरी सुना रहे हो? इतनी बार सुन चुका हूँ मैं। मेरे दोस्त को क्या हुआ है? देखो ना डॉक्टर, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, चाहे कितने भी पैसे खर्च करो हो जाए, चाहे कितने बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़े, पर कुछ भी करके मेरे दोस्त को ठीक करो डॉक्टर। उसके लिए इसे आधा लीटर खून चाहिए। क्या कहा, आधा लीटर खून चाहिए? सिस्टर अरे चुप करो डॉक्टर, ये कोई मौसमी का जूस है जो निचोड़ा और खून निकाल के दे दिया? आधा लीटर ब्लड कम नहीं होता है क्या समझे तुम? आपसे पहले जो डॉक्टर आए थे उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया तो मुझे बताया कि मेरे ब्लड में यूरिन है। वो सब हम देख लेंगे, पहले तुम खून देने के लिए। अरे वो सब मैं नहीं देने वाला। एक मिनट, हेलो हेलो, हैं क्या क्या कहा अभी? क्या अभी मुझे मेरे गांव में खून देने जाना है, हालत खराब है डॉक्टर, मुझे मेरे गांव में जाना है, वहाँ मेरे खून की जरूरत है, यहाँ मैं खून नहीं दे सकता, मैं वहाँ जा रहा हूँ खून देने, वहाँ जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। हेलो हेलो मिस्टर, एक मुर्गा था, हाँ, फिर एक और मुर्गा आ गया, फिर ढेर सारे मुर्गे आ गए, चारों तरफ भर गए। सूर्या, 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 क्या हुआ तुम्हें? अंजलि, अंजलि, हमें वो घर नहीं चाहिए, हम यहाँ से दूर जाएंगे। हाँ ठीक है, हमें नहीं चाहिए वो घर, वहाँ पे बहुत परेशानी है। अब क्या, हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम दूर जाएंगे अंजलि। ठीक है ठीक है। इतना सारा सामान कहाँ ले जा रहा है? अरे भाई सुनो 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 सुनो, ये सब किसके लिए ले जा रहे हो? भैया के लिए। पर यहाँ तो कोई भाई नहीं है। अंधेरी से बड़े भाई आए हुए हैं। वो कौन है? तीन दर्जन खून, आधा दर्जन रेप, ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है। ये क्या भाई, ये सब मुझे सुनाकर क्यों डरा रहे हो? मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। ए अपने भाई को मुंबई में सब जानते हैं। भाई के ऊपर दो इनकाउंटर भी है, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन उनके आसपास खड़े रहते हैं। उनके पास दो ऑडी, तीन टाटा सुमो, 200 इंडिका, 300 साइकिल भाई के आगे पीछे घूमते रहते हैं। भाई सबसे बड़ा रावड़ी है, उससे बड़ा रावड़ी इस पूरे मुंबई में कोई नहीं है। कौन वो, एसिड कुमार है क्या? अरे उससे भी बड़ा। उनसे भी बड़े है? बिल्ला, ये तो बिल्ला जी है, ये इंटरकॉप पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। ये क्या बोल रहा है तू? मैंने क्या कह दिया? भाई को 5-star होटल में रूम दिलाओ। स्टार होटल में इनके लिए सेटिंग नहीं हो सकती है भाई, इनके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया घर है। भाई के लिए घर ही सेफ रहेगा। हाँ हाँ, ये ले पकड़, घर का इंतजाम कर। हाँ। मैं चलता हूँ। भाई बोलो भाई। मुझे एक बहुत ही अच्छा किरायेदार मिला है। लेकिन मेरी बात सुनो। अरे इसमें बात क्या सुननी, 4 दिन के लिए 4 लाख रुपए दे रहा है। किराए के लिए नहीं, मुझे घर बेचना है। पहले उसे रख लेते हैं, बाद में देखते हैं। अच्छा। हाँ भाई, आंध्रा का पेड्डा रेडी बहुत बड़ा भाई है। बहुत बड़ा भाई है? हाँ भाई। उतना बड़ा है क्या? हाँ।
तो ठीक है, दे दो उनको। वो बात ऐसी है कि उन्हें थोड़ा चिकन बिरयानी खिलाना है, इसीलिए थोड़ा। अब देखो, मैं उन्हें वेज तो खिलाने वाला हूँ नहीं, ओनली चिकन काट काट के खिलाऊंगा उनको मैं। चार दिन नहीं, सात दिन। अरे सात दिन क्या, बोल दो एक महीने रह सकते हैं, ठीक है ना? बोल दो उनको। मैं तैयार हूँ। ओके ठीक है, जाओ बोल दो। तो बहुत बड़ा भाई है ना, देखता हूँ तुझे मैं। ए, देश के बाहर का डील नहीं करता, तो मुझे डिस्टर्ब मत कर, फोन रख जल्दी से। इतना धार ठीक है ना? इतना काफी नहीं है। काफी नहीं है? नहीं नहीं चलेगा क्या? चल धार लगा जल्दी। फिर कितना चाहिए? अबे ओए टोपी बाज, आउट ऑफ सर्विस एटीएम पे आगे डाल रहा है, ये ले, ये पी के जाके मार, चल जा यहाँ से, जा। इसको देखता। बहुत मजा आ रहा है, और लो भाई। भाई हो गया। ए, इधर आ, इधर आ। बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि नौकरों को सिर पे नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो सिर पे चढ़ जाते हैं। अगर मुझसे किसी भी तरह की बदतमीजी करोगे तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। कान खोल के सुन लो सब लोग, एक दो तीन। ये लो भाई। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तो ये पकड़। अब इनका इंतजाम कुछ करना पड़ेगा। ए, तू काम कर, इसको ले रहे। मैं ही यहाँ रहता हूँ, नहीं तो कोई ना कोई मारा जाएगा। रुको भाई। क्या है रे? समर सिमा रेड्डी के बारे में कुछ तो बोलो। उसके बारे में हैदराबाद में किसी को पता नहीं। भाई आपको बोला मिलाने के लिए, लेकिन आप हम लोगों को लेके वहाँ गए ही नहीं। ए, मुझे क्यों जाओ जाओ बोलता है? तू भी जा सकता है, वैसे मैं तुझे क्यों लेकर जाऊंगा? ओए। हाँ भाई। समर सिन्हा रेड्डी के पास चलें क्या? पर भाई वो तो सिर्फ फिल्म में देखते हैं, कभी एड्रेस नहीं दिया उन्होंने, कैसे जाएंगे उनके पास? एड्रेस दे तो जा सकते हैं। ये आवाज, ए बाहर देखो कौन आया है, देखो जल्दी। अरे चिकन दारू छोड़ो और जाओ जल्दी। अरे जाओ ना। ए, ध्यान से सुनो, आवाज किधर से आ रही है? जैसे ही तुम्हारे हाथ लगे उसे काट डालना। अरे ये तो आवाज आनी बंद हो गई। ए, उधर से आवाज आ रही है, चलो जाओ। कौन है यहाँ? कौन है? वहाँ तो कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है भाई, पक्का कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई, बिल्कुल। अभी इधर से आ रही है, जा जल्दी। ए, कोई दिखा क्या? इधर भी कोई नहीं है भाई। रामा इधर आ, यहाँ हम सब परेशान है और तू वहाँ बैठ के मजे ले रहा है, चल जाके देख वहाँ। भाई सब जगह देख लिया, कोई भी नहीं मिला। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? उधर से आवाज आ रही हो, ऊपर जाओ जल्दी, जाओ उधर से आवाज आ रही है। ए नायडू, कोई ऊपर मिला कि नहीं? भाई वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। अरे बेवकूफ, ठीक से देखा कि नहीं? लगता है कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। ठीक है, तुम लोग अपने अपने काम पर लग जाओ, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझे? अब मैं खा पी के आराम करने जा रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग जाओ, जाओ यहाँ से। ए टकलू, तू कहाँ जा रहा है? तू मेरा वफादार आदमी है ना? हाँ सही बोल रहा है। तो उसको रूम में भेज दे, किसी को बताना नहीं है। लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, तू मेरे दिल की है रानी, मैं तेरे दिल का हूँ राजा। ओ, फूलों के जैसी खुशबू है तेरी। ए, नाम क्या है तुम्हारा?
रोजा। पिछली गली की रोजा ना? हाँ जी। ब्यूटीफुल नेम, लवली रोजा। खुशबू अच्छी है। ओ ये। थोड़ा परफ्यूम मार लेता हूँ। रोजा, गर्मी बहुत है, शर्ट उतारता हूँ। जल्दी करो। रोजा, मैं वीर हिम्मत वाला ताकत वाला हूँ, किसी से नहीं डरता। मैं जो बोलता हूँ वो सब के सब सुनते हैं, पर मैं किसी की भी नहीं सुनता। मुझे फूलों से बहुत प्यार है, फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रोजा, लड़कियाँ भी फूलों की तरह होती हैं, और जब तुम मुझे देखोगी ना तो डर ही जाओगी। मेरी बॉडी फुल स्ट्रांग है। रोजा, देखो तो सही मुझे, मुझसे डर के लाइट भी चली गई। आ जाओ ना, शर्मा रही हो। रोज, अब शर्म छोड़ दो और मेरी तरफ घूम जा, मेरी बाहों में बहुत आनंद मिलेगा। ये लाइट को भी अभी ही जाना था क्या? अब टॉर्च ही जलानी पड़ेगी। रोजा, 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 कहाँ चली गई हो? रोजा, रोजा, कहाँ हो? अरे कहाँ चली गई? हे रोजा, तुम कहाँ छुपी हो? इधर भी नहीं है। इस टॉर्च को क्या हो गया? ये भी बंद हो गई। हे रोजा, हे रोजा, तुम कहाँ छुपी हो? जल्दी से मेरे पास आओ। रोजा, ए झलक दिखला जा, ए झलक दिखला जा। मेरी अच्छी रोज। नहीं, मैं बुरी रोज हूँ। देखोगे क्या? देखोगे क्या? देखोगे? मुझसे गलती हो गई। पड़ी हुई है और किसी को फिक्र नहीं है। यहाँ तुम लोग ऐशो आराम से सो रहे हो और वहाँ मुझे मच्छर परेशान कर रहे हैं। मैं भी यहीं सोऊंगा। भाई आप अपने रूम में जाओ। नहीं नहीं, मैं यहीं सोऊंगा। मुझे मत भेजो, मैं यहीं सोऊंगा। वहाँ मच्छर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। चलो पैर दबाओ मेरे। अरे अब पैर भी दबाने पड़े। अरे ढंग से दबाना। अरे बताओ ना भाई, क्या हुआ? कहा ना सो जाओ। अरे लेकिन फिर आप रो क्यों रहे हैं? हे, हमारे भाई रो रहे हैं, उठो सब लोग। भाई रो रहे हैं। भाई, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? उठिए, आखिर बात क्या है बताइए। क्या हुआ हमारे होते हुए? अरे बताइए, आप रो क्यों रहे हैं बताइए। आखिर हुआ क्या? हुआ बताइए। पर आप सोए थे, आखिर क्या हुआ बताइए भाई। बोलिए, बताऊंगा क्या हुआ। रेड्डी जी, मैंने 5-स्टार होटल में रूम मांगा था ना, तुम्हें घर बुक करने के लिए किसने कहा था? भाई आंध्रा लौट चलते हैं। आंध्रा जाके गोबर उठाएगा, वहां से तो भाग के यहाँ आए। हे भगवान। क्या भगवान, मुंह बंद कर।
इतने बड़े घर का मालिक कौन है बताओ, तुम लोग मुझे बताओ ना, चुप क्यों हो ए? भाई सब छोड़ो, जाने दो ना, हम यहाँ मारने आए हैं, डर के मरने नहीं। तो डर गया? मुझे किसी से डर नहीं लगता। मजाक करता है, मुझसे भी डर नहीं लगता? जिस दिन मुझसे नहीं डरेगा मार के। भाई 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 आपको तो खून निकल रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मार के बोलता है कि भाई खून निकल रहा है, अभी तुझे बताता हूँ मैं, रुक भाई, आज तुझे मैं काट के रख दूंगा। अरे इससे क्या हो गया? अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? लगता है ये पागल हो गया है। अरे भाई ये आपको क्या हो रहा है, आपके कान से भी खून निकल रहा है भाई। आज तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, मुंह और कान से खून निकाला ना, नहीं भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैंने कुछ नहीं किया भाई तुझे। भाई आपके तो सर से भी खून निकल रहा है भाई, खून ही खून निकल रहा है, सिर भी फोड़ डाला है, मुझे मार के तू नाटक कर रहा है। भाई अभी कुछ मत बोलिए, लगता है इसके ऊपर कोई भूत सवार है, हम यहाँ से चलते हैं, इसी में हमारी भलाई है, वरना ये आपकी जान ले लेगा। हाँ भाई चलो चलो यहाँ से, चले चले जल्दी जल्दी चले, नहीं डालने के लिए चले। भाई कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? आइए 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 आइए, नमस्ते सर। नमस्ते। आइए, यही है हमारा घर। ये कौन है आपके साथ, आपकी बेटी क्या? ये मेरी पत्नी है। ओह सॉरी सर। इसकी इच्छा है कि हमारा एक घर हो, पर मैंने सोचा एक बड़ा सा महल हो। यहाँ कितने कमरे होंगे सर? इस घर में कुल 4 कमरे हैं सर, 2 रूम यहाँ पे हैं और ऊपर दिल वाले का रूम। ये दिल वाले क्या है? आपको पता है सर, ऊपर राइट साइड में जो रूम है ना, दिल वाले की शूटिंग में शाहरुख और काजोल के लिए उसी रूम का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए उसे दिलवाले बोल रहे हैं। तो हम दोनों वही रूम सेट करेंगे। और उसके पास वाला रूम? दूर से पूछो पास क्यों आती हो? तो क्या है सर, हाउसफुल की शूटिंग में भी अक्षय कुमार और दीपिका उसी रूम में रहते थे सर, वहीं पे उन दोनों का लव डेवलप हुआ था। तो वो रूम मेरे लिए। क्यों, तुम एक रूम में हो, मैं दूसरे रूम में। अच्छा ये बताओ, दिल वाले शाहरुख का रूम यहाँ है तो कब आके गए थे? सोचो मत। चलो मैं ही बता देता हूँ, जब वो लोग थे तो तुम नहीं थे और तुम हो तो वो लोग नहीं है। करेक्ट बोला ना? करेक्ट। हमने रूम के बारे में सब जान लिया है, मेरी तरफ से रूम ओके है। अब यहाँ किचन कहाँ है? वो तो यहाँ की खासियत है सर, फुल इटालियन मार्बल सर, बस यहीं पास है। इटालियन मार्बल, चलो देखते हैं। यस 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 यस, इन्हें कैसे भी मना करके ये घर इनको दे दूंगा। उनके साथ आई हो क्या? एक बात बताऊं मैं, इस घर को बहुत मिस करूंगा। कौन, तुम? तुम्हें इस घर से छुटकारा चाहिए ना। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं? तुम भी ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर तुम कौन हो? एक बात बताऊं, इस घर के बारे में लोग बहुत गलत बातें बोलते हैं, तुम उसे मत सुनना। सर किचन ओके है, दूसरा रूम देखे क्या? आता हूँ सर, एक मिनट आता हूँ मैं। कहाँ चली गई ये लड़की, कौन थी? आइए सर, शाहरुख का रूम यही है? ये रूम देखिए सर, पूरी तरह से एसी है, यहाँ आराम से रह सकते हैं आप सर, बहुत ही अच्छा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, आराम से रहिए। अच्छा लग रहा है ना? घर तो ठीक है हाँ। पर आप पैसे कितने लेंगे? वो मैं सब मिला के 1,15,00,000 देता हूँ।
अरे ये क्या है? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? सर आपको दिखा रहा था कि ये दीवार भी कितनी स्ट्रांग है। वो तो हमें अच्छे से पता है, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तो सर फिर कैश आपका तैयार है ना? क्यों नहीं, बहुत स्ट्रांग है ना। चल जल्दी पैसे लेके आते हैं। अरे भाई कहाँ हो, जल्दी से आओ। अरे सुनिए, चलो भागो, नहीं लेना है इधर, इधर नहीं लेना है। अरे भाग जाओ, चलो। सुनिए सुनिए सर, सर अरे तुम तो अभी भी यहीं पे हो, तुम्हारे साथ जो आए थे वो चले गए, तुम भी जाओ। हेलो, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ। अरे मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से प्लीज जाओ। ओहो क्या जबरदस्ती है ये, ऐसे क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। तुम मुझे जानते हो क्या? ओहो, मैं तुम्हें कैसे जान सकता हूँ। देखो इस घर में एक भूत रहता है जो मुझे दिन रात सताता रहता है, समझी? लेकिन ये सब आखिर मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, वो भूत मुझे इतना सता रहा है लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। अगर मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, कहीं तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए, इसलिए जाओ यहां से तुम। अजीब जिद्दी लड़की, इतना समझा रहा हूं फिर भी नहीं मान रही है, जाओ मरो यहीं पे, बाद में मत कहना कि मैंने समझाया नहीं, पता नहीं क्या चाहती है। ए ये क्या हो रहा है, अभी तुम वहां थी, यहां कैसे आ गई, डरा रही हो क्या मुझे, जाओ यहां से। क्या तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना? दिमाग ठीक नहीं है क्या, कितनी बार बोलूं मुझे नहीं पता है। जा। ये घर छोड़कर चला जाओ, ये घर छोड़कर चला जाओ, ये घर छोड़कर चला जाओ। Yes. आ जाओ बैठो बैठो। हाँ हाँ बैठो बैठो, टेक इट अरे टेक इट। नहीं चाहिए सर। सर मैंने भूत से बात की। भूत से? हाँ सर। अच्छा तो ये बताओ ये कौन है? गंगू सर। और ये कौन है? पांडे जी हैं सर। और ये मेरा क्या लगता है, आपके दोस्त हैं? नहीं भूत है ये। अरे जा कर बैठो बैठो, आओ बैठो बैठो, कम ऑन कम ऑन, आ जाओ बैठ जाओ। अब जरा इसकी कहानी सुनो। गंगू तुम कब मरे जरा ये तो बताओ। बहुत दिन पहले किसी से प्यार करता था और उसी से शादी भी करना चाहता था। मैंने उस पर बहुत भरोसा किया था और मैंने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो किसी और की हो गई है तो मेरा पूरा भरोसा टूट गया, सारे सपने बिखर गए, जीने की तमन्ना ही जैसे खत्म हो गई। चल भाई अब तू शुरू हो जा, चल। बहुत ही अच्छी फैमिली थी सर, मच्छी पकड़ने गए थे पर वापस नहीं आए सर, फिर मैंने फोन किया। उन्होंने फोन उठाया और जब तक उन्होंने मुझे बेटा कहा, मैं उत्साहित होके पापा बोलने ही वाला था कि फोन कट गया सर। ये उनका आखिरी फोन था सर। ऊपर चले गए। जैसे तुमने अभी इन लोगों को जाना ठीक वैसे ही भूत को जानने की कोशिश करो, उसके साथ बैठकर बात करो। सर क्या कह रहे हैं, ये किसी दोस्त से बात करने जितना आसान नहीं है सर, मामला भूत का है सर। लड़की से बात करते हो ना वैसे ही भूत से बात करो, भूत से डरो मत, अगर डर लगे तो उसकी पिटाई कर दो, लेकिन उससे पहले तुम्हें उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उसे क्या अच्छा लगता है, जैसे कि कोई चिकन मटन मछली दारू ये सब लेकर जाओ, ऐसा हो सकता है कि उसे सिर्फ नॉनवेज ही पसंद हो तो सिर्फ चिकन लेकर जाओ, पीना पसंद है तो दारू लेकर जाओ।
दारू? तुम बस लेकर तो जाओ। देखो यहाँ सब कुछ रखा हुआ है, जो चाहिए ले लो। चिप्स खाओ ना, बहुत ही अच्छा है, खाओ खाओ, बहुत अच्छा है। ये मेरा घर है, ये घर छोड़ के चला जा। तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं, ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? तुम बताओ क्यों जाऊं? यहाँ पे ऐसे नहीं आया हूँ, घर खरीद के आया हूँ मैं। यहाँ के कागजात भी मेरे नाम से है। भूत तो कहीं भी रहते हैं, पेड़ पे, कब्रिस्तान में, तुम यहीं पे क्यों रहना चाहती हो? तुमने यही घर रहने के लिए क्यों पसंद किया? ये मेरा घर है, तू ही कब्रिस्तान चला जा। मैं तो तुमसे एक दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ, तुम तो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। अगर कोई मर्द भूत होता तो देखते तुम क्या होता। तुम लड़की हो इसीलिए अभी तक मैं चुप हूँ। एक बड़ा घर मेरे बाप का सपना था, तुम्हें कागजात दिखाऊं क्या? देखोगी? तुम्हारे पास क्या है बताओ, कम ऑन शो, मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ, अरे तुम चुपचाप बैठी हो, लेकर आओ। हाँ मैं भी लाकर दिखाता हूँ। डरना मत, गदाधारी भीम के स्टाइल में जाना, वो हो सकता है एक बार मारे, पर तुम हिम्मत से काम लेना और जोर से चिल्लाना, और फिर तुम कहना मैं तुमसे नहीं डरता तू बाहर आ, वो भी चिल्लाकर तुम्हें डराएगी। पर डरने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ में मारने का हथियार लेकर जाना और ताबड़तोड़ शुरू हो जाना, तब वो भी चिल्लाएगी, पर डरना नहीं, रुकना नहीं, बस मारते चले जाना, तब वो कुछ नहीं कर पाएगी और अपने आप छोड़ के चली जाएगी। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? हाँ आज तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ कहाँ गई, कहाँ चली गई तुम? आज मिल जाओ बताता हूँ मैं तुम्हें, बहुत डराती हो ना तुम। हाँ बाहर आओ, बाहर आओ, कहाँ छुप गई? ये पागल हुआ है क्या? हाथ में बैट भी है इसके। बाहर आओ, बाहर आओ, छोड़ूंगा नहीं, लड़ोगी मुझसे, लड़ोगी? हैं ये लो, लड़ोगी मुझसे, ये लो। हाँ क्यों छुप क्यों रही हो मुझसे आज, हैं डराती हो रोज मुझे? हे अंजलि, तुम कब आई? अंदर आओ अंजलि। मुझे कॉल भी नहीं किया तुमने। तुमने तो कहा था कि फोन मत करना मुझे। ओह इतनी आसानी से मान भी गए, मैंने कॉल किया तो बात क्यों नहीं की? ये कुछ ओवर नहीं हो गया, मारूं क्या? अंजलि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है तुम मुझसे बात ही मत करो। कसम से मैं अभी भी तुमसे कसम की जरूरत नहीं है, अपने पापा की कसम खाए थे ना और फिर तुम चले भी गए। सॉरी अंजलि। सॉरी क्यों? मैं कुछ भी बोलता हूँ तो तुम उसे गलत समझ के मुझसे लड़ती रहती हो। तो ठीक है बोलते ही क्यों हो? वैसा नहीं है अंजलि। छुओ मत मुझे, ठीक से बताओ कि नहीं तो पता कैसे चलेगा, बताओ चलो। तुम पे मुझे भरोसा ही नहीं है। ठीक है मेरे सारे गिफ्ट्स मुझे वापस दो, चलो ये टी शर्ट भी मैंने दी थी ना, चलो। अंजलि छोड़ो छोड़ो, तो सब बताओ मुझे प्लीज अंजलि। ठीक है अंजलि, अंजलि सुनो तो मेरी बात, छोड़ो मुझे। अंजलि मेरी बात तो सुनो। ये भी नहीं छोड़ा ना? सॉरी। वो कौन है? कौन?
तेरी तो मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें बताऊं। ओ, तो ना समझने वाली बात यही थे जो तुमने मुझे नहीं बताई है ना? बताने पे कहीं तुम डर गई? मैं क्यों डरूंगी? तुम ऐसे हो अभी पता चला, बहुत खुशी हुई मुझे। अपना चेहरा कभी मत दिखाना। अंजलि अंजलि प्लीज प्लीज मत जाओ अंजलि। इससे अच्छी तो वो भूत ही है बेचारी। पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। Could be tight with a hit. And has hit. अरे ये क्या भाई, आज तो धोनी कुछ खेल ही नहीं पाया, मेरा तो सारा पैसा डूब गया। मेरा भी बहुत अच्छी बात है। अरे मेरा भी डूब गया। अरे लेकिन धोनी पर मैंने इतना पैसा लगाया, उसका क्या? उसका नाम धोनी है, क्रिकेट टीम का कैप्टन है वो, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो ही इस मैच को जिताएगा। अरे उसके साथ अपना कोहली भी है। ज्यादा मत बोल, मुझे पता है। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया है भाई, कोई मिलने आया है। तुम अपना घर बेच रहे हो, ये बताओ कितने में खरीदा है और कितने में बेचना चाहते हो? वो तो आप ही बताओ। अरे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम उसके ओनर हो, ज्यादा सोचो मत, बताओ। वो 80 लाख भैया। 80 लाख? तुमने अपना रेट बताया, अब मैं अपना रेट बताता हूँ। ठीक है भैया, मैं 1 करोड़ दूंगा। कैसा रहा? मैं तो 1 करोड़ दे सकता हूँ। 1 करोड़? अरे हाँ भाई, वहाँ की कीमत क्या है ये मुझे पता है, ईमानदारी भी होती है ना। तुम मुझे दे रहे हो, बहुत खुशी की बात है, कल ही रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तुम खुश हो ना? तब तक तुम रुको, ठीक है ना? चलता हूँ। ठीक है भैया, बाय बाय भैया। भाई होटल बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है और रेट भी सही। आ गई, मुझे दो। क्या कर रहे हो? देखो सभी प्रॉब्लम का हल होता है, समझे ना? इस घर को मैंने बेच दिया है, तुम भी अपना सामान पैक करके चुपचाप चली जाओ यहाँ से। इस घर को गिरा के वो लोग 5-स्टार होटल बनाने वाले हैं। इस घर को मत बेचो, इस घर को मत बेचो। कल जब आएगा ना, तब ये सब बोलना उसके सामने। जा अभी। दुनिया में मेरा कोई नहीं था, माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे। मेरे माँ बाप के इच्छा अनुसार मैं सिंगर बन गई, मेरे गानों को नेशनल अवार्ड भी मिला था। मेरा एक फैन था, वो शो देखकर मुझे कॉल करता था, बहुत परेशान करता था, बहुत डिस्टर्ब करता था। कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन? मैं एक पागल हूँ। मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया है पता है क्या? क्या? तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक्स। वो एक्चुअली तुम्हारे खुले बाल अच्छे नहीं लगते। बालों को बांध के रखो, तुम बहुत अच्छी लगोगी। वैसे तुम्हारी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी है, हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। उसका नाम जानने से पहले फोन कट हुआ। अगले दिन फिर से उसने कॉल किया, फोन पर उसकी बातें सुन सुनकर मुझे मिलने का मन हुआ। वो तो हमेशा मिलने की जिद करता था। एक दिन मैं उसे मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो वहां पर आया ही नहीं। मैं वहां पर उसका इंतजार करती रही। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मुझे क्या समझा है तुमने? ये सब एक जोक है क्या? Am I joke to you?
सीरियसली सुनो तो सही। आई डू नॉट वांट टू टॉक टू यू। सुनो ना प्रिया, मुझे कॉल भी मत करना। यू आर अ बैड लायर। पर उन सब बातों से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया था मैं, पर मेरे आने से पहले ही तुम वहां से चली गई थी। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करता। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे वहां नहीं। मुझे बहुत फेल हुआ। ऐसा लगा कि मैंने कोई गलती की हो। मुझे वैसे गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने उससे माफी भी मांग ली और हम दोबारा बात करने लगे। घर हो ऐसा लगता है, मैंने भी सोचा था। और वैसा ही एक घर उसने मुझे गिफ्ट दिया था। मेरे नाम से उसने रजिस्टर भी किया था। उस घर के पेपर्स मेरे हाथ में थे। मैं बहुत खुश हुई। मैंने तय किया था कि एक दिन मैं उससे जरूर मिलूंगी, पर उसने मुझे खुद कॉल करके बोला कि वो 6 बजे चेन्नई जा रहा है, अगर पॉसिबल हुआ तो मिलो। तुम मुझे चेन्नई बस स्टॉप पर मिलो, मैं तुम्हारा 6 बजे इंतजार करूंगा। मैं जरूर आऊंगी। मैं तुरंत घर से निकली। जाने से पहले मैंने उसे कॉल किया। वो भी बहुत खुश था। बारिश भी बहुत गिर रही थी, लेकिन कुछ भी करके मैं उससे मिलना चाहती थी। मैं अपनी कार को बहुत तेज चला रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं उससे मिलने का मौका खोना नहीं चाहती थी। लेकिन अचानक से एक भयानक आवाज आई। जब तक मैं खुद को संभालती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मुझे स्ट्रेचर पे ले जा रहे हैं। तब मुझे पता चला कि मैं मर गई हूं। आखिर में हम लोग मिल ही नहीं पाए थे। वो कहां होगा ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि वो अभी भी जिंदा है और इस घर में जरूर आएगा। इसलिए मैं उसका इंतजार कर रही हूं। वो कभी तो आएगा। अब से ये घर हमारा ही होगा। भाई नमस्ते। क्यों भाई तुम अभी तक आए क्यों नहीं? इस घर को नहीं बेचना है मुझे, आप कोई दूसरा घर देख लो भैया। मजाक मत करो, पेपर लेके वकील ऑफिसर सब आए हैं, अब बस तुम्हारे सिग्नेचर करना बाकी है। चलो सिग्नेचर कर दो। प्लीज भैया। मैंने तुझे पहले ही पूछा था ना, मैं पूरा पेमेंट लेकर आया हूँ, रख दो इधर। मैंने बोला ना भैया,
मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस घर को नहीं बेचना चाहता मैं। अरे रुको, कोई जल्दी है क्या? ये कोई नया लड़का नहीं है, इसे हमारे बारे में सब पता है। सुशेत बैंक में हमारे बहुत सारे अकाउंट्स हैं। भाई चलो सिग्नेचर कर दो। इन सब बातों से मैं नहीं डरूंगा, आप यहाँ से जाओ भैया। बोला ना भैया, जाओ यहाँ से, आप जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं बेचना ये घर पर। ये अच्छी बात नहीं है भाई। भाई कहो तो उसे टपका दे। वो नहीं दूंगा, बोला ना, उसे पसंद नहीं है तो ठीक है, चलो यहाँ से। हेलो, बोलो भाई। कैसे हो, क्या हाल चाल है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जबरदस्त वाला। क्या बोल रहे हो, सरप्राइज है? शौक लगाना रे। कहाँ हो तुम? तेरे घर पे हूँ। ए, मुझे नहीं तुझे शौक होने वाला है, अब वो मेरा घर नहीं है, मैं उसे बेच रहा हूँ। मैं जाकर कहीं और रहूंगा। क्या, तू घर छोड़ के चला गया? हाँ तो और नहीं तो क्या। कैसा बेवकूफ है तू, कितनी तकलीफों से घर खरीदा था और तू घर के बाहर घूम रहा, तिल तिल करके एक एक पैसा जमा किया, खून पसीने की कमाई से खरीदा। मत भूल, मैं एक हफ्ते तक रुकूंगा यहाँ पे, कहीं नहीं आने वाला। अरे तू मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैंने कहा ना कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, बंद करो, चुप करो। कितने घरों के ताले तोड़े, इस घर का ताला कौन सा नई बात है? अरे वाह भाई वाह, खुल जा, खुल 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 खुल। अरे डोर इतना जाम है, ताला क्यों लगाया? खुल, शायद इसकी चाबी नहीं है। What a beautiful come sin, ये अंदर है इसलिए वो मुझे बाहर भेज रहा था। अब समझा मैं बेटा तेरी चाल, इसकी और इसकी पर्सनालिटी तो मैच ही नहीं होती है। ये उसकी गर्लफ्रेंड बनने लायक है ही नहीं। चा, 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 चा। इसका उसका कोई तालमेल है ही नहीं। इसका और उसका कलर थोड़ा चेंज है, पर जरूर उसके बाप ने कोई गलती की होगी। ये तो उसकी बहन जैसी लगती है ना। फ्रेंड की बहन को प्यार करना तो कोई गलत बात नहीं है। दरवाजा तोड़ के उसके दिल को जीत लेता हूँ। हीरोगिरी का इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। हाय, हेलो, मैं सूर्या का फ्रेंड हूँ। पता है। वाओ, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे बारे में अपनी बहन को सब कुछ बता दिया है। By the way, my name is Kaalo sir. No! He's a very bad boy. मतलब तेरा भाई, क्या समझी? But I am a very good boy. तुम किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हो। मतलब तुम्हारा चेहरा ही इतना हसीन है कि किसी का भी दिल फिसल जाए। और इस फिसले हुए दिल को लेकर आदमी कहीं से कहीं फिसल जाए, तो हो जाए इस बात पे एक कॉफी। hey, इसको तो सेट करके रहूंगा मैं। सर सर, 6 महीने पहले यहाँ पे एक बस एक्सीडेंट हुआ था ना? हाँ हुआ तो था। मुझे मरने वालों की डिटेल्स चाहिए। पर किस लिए? प्लीज सर, उस एक्सीडेंट में शिवा नाम के एक लड़के की डिटेल्स चाहिए। अच्छा सर। अब वो सब तो मिलने से रहा। हाँ, उस एक्सीडेंट में एक लाश मिली थी जिसे तुम देख सकते हो, और वो लाश इस समय हॉस्पिटल में है, वहाँ जाकर देख सकते हो तुम। क्यों क्या हुआ, इतना भाग के क्यों आ रहे हो, क्या बात है? शिवा के बारे में कोई डिटेल्स नहीं मिल रही है, अब मैं क्या मुंह लेकर के घर जाऊं? समझ में नहीं आ रहा है कि शिवा की डिटेल्स कहां से निकालूं। कोई और रास्ता हो सकता है क्या सर? हाँ, तुमने घर जिससे खरीदा था उसका कुछ पता है क्या? पता तो है सर, पर इसका और उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? देखो, होता यह है कि जब कोई मरता है और उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, और ऐसा ही तुम्हारे यहाँ हो रहा है। चलो हमेशा चलो, भूत कहाँ होंगे तुम्हें पता है ना? नहीं सर। बस मेरी बात मानो, सब ठीक ही होगा। यही उम्मीद कर रहा हूँ सर। वैसे उस लेडी भूत के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? तुमने नाम तो बताया था। शिवा सर। हाँ शिवा,
तो उसका नाम लेके पुकारो जरा यहाँ। सर आप मजाक कर रहे हैं क्या सर? अरे तुम शिवा शिवा करके उसका नाम पुकारो, वो यहाँ जरूर आएगा। शिवा जोर से पुकारो, आवाज नहीं पहुंची वहां तक। शिवा और शिवा और शिवा शिवा और शिवा। सर 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 ये सब क्या है सर? सर सर ये क्या है सर? सर सर तुमने बुलाया और वो चले आए, सीधी सी बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर कौन है सब? सर 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 डर लग रहा है सर, सर 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 डर लग रहा है सर। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? बोल। मैं पूछा था कि तुम ठीक हो ना, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? इंसान थे तो परेशान रहे, भूत बन गए, चैन की जिंदगी है। हमारे बारे में तुम्हें क्या पता है? पता है। अच्छा पता है, पहले से पता है क्या? नहीं नहीं अभी खाते पीते बात करते हैं, पता चल जाएगा। तो क्या सीन है? अरे इतनी जल्दी किस बात की है? हमें पार्टी में जाने के लिए लेट हो रहा है। देखा खिलाने पिलाने से सेट हो जाएंगे। सुनो ये मेरा एक नया फ्रेंड है। हाय। हाथ मिला। हाथ मिला वरना। इसके घर में एक सुंदर सी भूत लड़की है और उसने किसी से प्यार किया था और वो भी अब आपके जैसे मर चुका है। उसका नाम भी शिवा था। अब आप में से कोई अगर शिवा है तो पता करो। ओके। आवाज लगा के पूछो ना। ए, शिवा कौन है? कहाँ है रे शिवा? मेरे एरिया में शिवा कौन है? मैं अपनी बीवी से झगड़ा करके बस में आ रहा था, जब आंख खुली तो देखा कि यहाँ हूँ। दूसरा कोई शिवा है क्या? Hey, darling, मैं अपना नाम शिवा रख लेता हूँ। ठीक है रख लो। तुम हम बस में जा रहे थे, पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे, बस में हमको नींद आ गई, जब आँख खुली तो देखा हम यहाँ पहुँच गए हैं। So sad. Hey, और कोई बचा है क्या? मैं बचा हूँ। तो आ गया ना। बारिश बहुत हो रही थी, बस दौड़ रही थी, मेरी पास वाली सीट पर कोई और बैठा था, कोई लड़की उसके पास आ रही थी, तभी एक्सीडेंट हो गया भाई। और फिर? बस का एक्सीडेंट होते ही बस में जितने लोग थे सब मर गए, लेकिन अकेला वही बचा था, उसे स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में ले गए, उसकी नाक में नली लगी थी। इनकी बातों से लगता है कि वो कहीं न कहीं अब भी जिंदा है। तुम किसी सिविल हॉस्पिटल में जाके पता करो। अरे कहाँ गई डार्लिंग, कहाँ हूँ? हेलो हेलो हेलो, थैंक यू। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि तुम सिर्फ एक ही ड्रेस में घूमती रहती हो। तुम्हारा इस तरह से घूमना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक ही ड्रेस और वो भी सिर्फ वाइट ड्रेस? तुम इतनी खूबसूरत हो, दूसरी ड्रेस ट्राई क्यों नहीं करती? तुम्हारा भाई तो वैसे ही बड़ा कंजूस है, बाहर जाएगा और दारू में अपने पैसे खर्च कर देगा, पर मैं पीता नहीं हूँ। तुम्हारे लिए पूरे शहर का चक्कर लगाकर एक बड़ी शानदार सी चूड़ीदार ड्रेस लेकर आया हूँ। अगर तुम इसे पहनोगी तो मोहिनी जैसी नहीं, नयनतारा जैसी लगोगी। मैं नयनतारा नहीं हूँ। तुम प्रिया की वॉइस में क्यों बोल रही हो? अरे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। देवी मेरी देवी, स्वीकार कर लो भेंट मेरी, नयनतारा मेरी। चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हेलो, मैं गाना गा रहा हूँ सिर्फ, तुम्हारा दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई बुराई है क्या? देवी मेरी देवी, कर लो भेंट स्वीकार मेरी, नयनतारा, बोलो इसमें क्या गलत है? क्या तुम चुड़ैल बन जाओगी? क्या तुम चुड़ैल हो? हाँ सही कहा, मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल हो, सही कहा, चुड़ैल हो जिसने मेरे दिल में हलचल मचा दी है। मेरे दिल में बस जा रे, आ जा रे, दिल में बस जा रे तू। हाँ? हाँ? मेरे साथ खेल खेल रही है? कोई नहीं, दूसरा सा ट्राई करते हैं। हाँ, ओ कामिनी ओ मोहिनी, पास आके बैठ कर चैटिंग दोनों। What's wrong, darling? तुम स्कूल के बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रही हो?
तुम एक टीनेज हो चुकी हो, सो कीप द मोबाइल डाउन। आई सेड कीप इट डाउन। थैंक यू। टीनेज, हम दोनों ऐसी ही मूवी देखेंगे जिसमें हम दोनों टीनेज की बातें एक साथ देखेंगे, तो मूवी प्ले करूं? एक बार अगर आपने इसे देख लिया ना, तो आपके सिर पर इश्क का भूत सवार हो जाता है। बहुत इफेक्टिव है ये। अगर इफेक्ट ज्यादा लगे ना, तो मुझे कस के पकड़ लेना। आप देखती जाओ, सुपर सीन आने वाला है। इस मूवी में एक्शन भी भरपूर है। What a photography! Excellent movie! Yeah, ये हीरोइन बिल्कुल तुम जैसी दिखती है। बात से समझ नहीं आता, कितनी बार बोलूं तुम्हें? हाँ। मरने वालों को डर कैसा? एक एक करके अकेले ही तुम सबको मौत देने वाली हूँ। मृत्यु देवी बुला रही है मरने के लिए। तैयार? साउंड है, इफेक्ट थोड़ा ज्यादा ही है, पर तुम डरना मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर डर लगे तो मुझे तुम कस के पकड़ लेना। हाँ, ये अचानक लाइट कैसे चली गई? तुम्हें अंधेरे में डर तो नहीं लगता ना? डर लगे तो डरना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डरावनी है, लेकिन ये तो डरने के बजाय मुस्कुरा रही है। लगता है कुछ और करना पड़ेगा मुझे, वरना ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बेबी, ये बहुत डरावनी है और अभी लाइट भी नहीं है। कहीं तुम डर ना जाओ, इसलिए हम ये कल सुबह देखें तो चलेगा ना बेबी? हाँ, कर दूँ ना बंद? हाँ। Hey!
ए, तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, घर देगा या नहीं? नहीं दूंगा। ऐसा क्या, बुलडोजर चलाएंगे तो वहाँ पर 24 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोच ले, आगे तेरी मर्जी, देख ले। डार्लिंग, रेडी हो ना? स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, खुशबू बहुत अच्छी है। ऑल द बेस्ट एंड मी आल्सो। मैंने सोचा कि तुम अपना दिल दोगी तो मैं कोशिश कर रहा था, पर वैसा कुछ हुआ नहीं, तो अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। अब जो होगा वो देखा जाएगा, हमें यहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। वेट, समबडी इज कॉलिंग। योर ब्रदर, माय फ्रेंड। बोलो दोस्त। ठीक हो ना? अरे ठीक ही नहीं, मस्त हूँ, झकास एकदम। अरे क्या बोल रहे हो, कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल तो होगा लेकिन अभी नहीं, आज से थोड़े वक्त के बाद ये माँ बन जाएगी और 10 महीने बाद तुम अंकल और मैं डैडी। दिमाग ठीक है ना तेरा? मेरा तो ठीक है, अपनी बहन को अगर तू ऐसे अकेला छोड़ के चला जाएगा तो कैसे चलेगा पापी? वो तुम्हें दिखाई दे रही है क्या? इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी और कह रहा दिखाई दे रही है पूरी तरह। ठीक से देख उसे। अपनी आँखों से देख रहा हूँ, अब तू सताना बंद कर वरना मैं शैतान बन जाऊंगा। भूत को सताना बुरी बात है। बुरी बात है? अरे वो वक्त दूर नहीं जब तू मेरे पैरों में गिड़गिड़ा के ये कहेगा कि मेरी बहन से शादी कर ले, रोएगा तू। मेरी बात सुन, वो एक आत्मा है। चुड़ैल है ना? अरे मेरी बात तो सुन। मेरा दिल चुराने वाली चुड़ैल। अरे तो रख फोन। मेरी बात सुन। फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ मैं, डिस्टर्ब नहीं करेगा अब वो। डार्लिंग, अब हम तुम और कोई नहीं है यहाँ। इधर तो देखो, अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं तुम्हें अपना ना बना लूं मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या डार्लिंग, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है मुझसे? भागने की कोशिश मत करना वरना एक भी कपड़ा नहीं बचेगा। अब क्या करोगी? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे? मुझे प्यार करना था ना? हाँ,
मारना मत। यहाँ पर आ, जल्दी आ। और मैं तो छोड़ नहीं सकता। मुझे जाने दो, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, भाग जाऊँगा। तो जा। जल्दी कर, निकल यहाँ से। उस दिन जो वो मेरे साथ आया था ना, आया था, क्या हुआ? उसने बहुत मेहनत से एक घर खरीदा था, मेहनत से, लेकिन उस घर में कोई एक लेडी भूत रहती है और वो उसे बहुत परेशान कर रही है। क्या हुआ? वो कहती है कि जब उसका चाहने वाला घर आएगा तब वो घर छोड़ के जाएगी। तो मैं क्या करूं? अरे यही तो प्रॉब्लम है, वो घर से बाहर ही नहीं जा रही है। तो मैं क्या करूं? मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो, उसकी इच्छा पूरी करो, उसे कैसे भी करके घर से बाहर निकालना होगा। इधर लाओ, 1 2 3 तीन काम है। जैसे तुम लोग यहाँ खुशी खुशी रह रहे हो वैसे ही वो भी यहाँ खुशी खुशी रहेगी। तो उसे घर से निकाल के हमारे पास। यस 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 यस, सुपर सुपर सुपर, नो प्रॉब्लम गाइस, कम लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ये काम हमें पूरा करना है। आ जाओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? घर खरीदने वाले आ रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। सुनो ना। वहाँ देखो, अब ये घर नहीं रहेगा, वो घर को तोड़ देंगे। वो आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर तुम खुश रहो, पर इस घर को मत तोड़ने दो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ तो करो सूर्या, मुझे मरने की परवाह नहीं, लेकिन ये घर नहीं तोड़ना, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। शिवा एक न एक दिन जरूर लौटेगा, तुम दोनों को साथ देखकर मुझे जितनी खुशी होगी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम्हें शायद पता नहीं, बचपन से जो मैंने चाहा मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन आज मुझे भरोसा है कि शिवा एक न एक दिन तुम्हारे पास जरूर लौटेगा। मेरी चिंता तुम छोड़ दो, तुम अभी जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, बोला नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो, छोड़ेंगे नहीं, चलो चलो, क्या घर को गिरा डालेंगे, चलो 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 चलो। चुपचाप बैठ के क्या कर रहा है? Yeah.
ए, लगता है ये मर गया। हाँ भाई चल। Thank you.
आज के बाद मुझे परेशान मत करना। अब जाकर के किसी पेड़ या गुफा में रहो, समझे? कम से कम अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। भूतों के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।